हेलो दोस्तों, ये है मधु और परिका घर। ये लोग शॉपिंग कर घर अभी वापस आए हैं, तो चलो देखें हम आगे की स्टोरी। बच्चों, आज हमने काफी शॉपिंग कर ली, कितना मजा आया ना शॉपिंग कर। हाँ मम्मा, आज शॉपिंग काफी अच्छी होगी, बड़ा मजा आया शॉपिंग कर और काफी अच्छा अच्छा सामान मिल गया हमें। अरे मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ शिमला जाने के लिए। आपको पता है वहाँ पर बर्फ भी पड़ती है, मैं उस बर्फ में नाचूंगी, खेलूंगी और कूदूंगी। अरे हाँ, मेरे माइंड से तो निकल ही गया था कि वहाँ पर स्नोफॉल भी होती है, कितना मजा आएगा स्नोफॉल में। मैं तो वहाँ पर अपने ब्लॉग्स बनाऊंगी और पिक्चर्स खींचूंगी इंस्टाग्राम के लिए। हाँ सच में वहाँ पर बर्फ बहुत ज्यादा पड़ती है और वहाँ का व्यू भी बहुत अच्छा होता है। और तभी शनाय और शनाय की मम्मी मधु के घर आते हैं। हेलो मधु, हेलो परी दीदी, हेलो आंटी। अरे शनाया और शनाया की मम्मा, आइए आइए यहाँ पर आकर बैठिए। दीदी दीदी, वो मुझे कुछ काम के लिए बाहर जाना है, तो मैं सोच रही थी कि शनाया को यहाँ पर छोड़कर चली जाऊँ। क्या मैं शनाया को यहाँ पर छोड़कर जाऊँ? हाँ शनाया की मम्मा, आप शनाया को यहाँ पर छोड़ देना, पर मैंने आपसे कोई जरूरी बात करनी है, इसलिए यहाँ पर आकर बैठिए। हाँ जी दीदी, बोलिए क्या बात करनी है आपने मेरे से? दीदी मुझे मधु बता रही थी कि आप अपने काम में बहुत बिजी होती हैं, तो इस कारण आप शनाया को कहीं घुमाने के लिए नहीं लेकर जा सकती, तो हम सोच रहे थे इस बार शनाया को हम अपने साथ शिमला ले जाएं। ओह अच्छा, कोई बात नहीं दीदी, आप उसको ले जाना, पर एक बार आप शनाया से भी पूछ लीजिए कि वो जाना चाहती है। ठीक है, मैं शनाया से भी पूछ लेती हूँ। शनाया बेटा, हम छुट्टियों के लिए शिमला घूमने के लिए जा रहे हैं, क्या तुम हमारे साथ जाना चाहोगी? शिमला, वाओ, मैंने सुना है वो बहुत ही अच्छी जगह है। हाँ आंटी, मैं जाना चाहूंगी। शनाया शनाया, तुम्हें पता है वहाँ पर तो बर्फ भी पड़ती है, हम बर्फ में खेलेंगे। हाँ हाँ मधु, हम वहाँ पर खेलेंगे, बहुत मजा आएगा। इस बार मेरी छुट्टियाँ बहुत ही अच्छी बीतेंगी, मैं बहुत खुश हूँ। देखो दीदी, बच्चे भी रेडी हैं जाने के लिए। आप ऐसा करना, रात को शनाया का बैग पैक कर देना, हम कल सुबह ही यहाँ से चले जाएंगे। ठीक है दीदी, पर इसके पास कोई गर्म कपड़े नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ कि आते आते इसके लिए गर्म कपड़े ले आऊंगी, फिर रात को मैं इसका बैग पैक कर सुबह आपके घर भेज दूंगी। शनाया शनाया, ठीक है मैं जाती हूँ, आंटी को तंग मत करना, हम शाम को मिलेंगे। बाय बाय बेटा। शनाया ये देखो, क्या ये कपड़े अच्छे लग रहे हैं? हाँ मधु, ये कपड़े बहुत ही अच्छे हैं, और ये ग्रीन कलर और लाइट ब्लू कलर तुम पर बहुत ही अच्छा लगेगा। ओ सच में, थैंक यू शनाया। मधु, क्या नेहा नहीं जा रही है हमारे साथ? नहीं शनाया, वो हमारे साथ नहीं जा रही है, वो अपने पेरेंट्स के साथ दिल्ली जा रही है, वो पिछली बार शिमला जा आई थी। ओ अच्छा, तुम्हें पता है दिल्ली बहुत ही अच्छी जगह है। ओ अच्छा, मैं तो कभी दिल्ली भी नहीं गई, पर इस बार हम शिमला देखेंगे। क्या नेहा और नेहा के पेरेंट्स दिल्ली जा रहे हैं? मैं नेहा के मम्मा को फोन कर बोल देती हूँ कि आते समय मेरे लिए फोन के कवर ले आए, क्योंकि दिल्ली में फोन के कवर बहुत ही अच्छे मिलते हैं। दीदी दीदी, आपको तो हर बार अपनी और अपने फोन की पड़ी रहती है। ओह गॉड, मैं तो शॉपिंग कर बहुत ही थक गई हूँ, आज मैं कोई खाना नहीं बनाने लगी, हम आज बाहर से ही ऑर्डर करेंगे। तो बच्चों, क्या खाना चाहोगे तुम सब? आंटी आंटी, क्या आप मेरे लिए पिज्जा ऑर्डर कर देगी? मुझे ना डोमिनोज का पिज्जा बहुत ही अच्छा लगता है। क्या तुम्हें भी डोमिनोज का पिज्जा बहुत अच्छा लगता है? मुझे भी डोमिनोज का पिज्जा बहुत अच्छा लगता है। ठीक है मधु और शनाया, मैं तुम दोनों के लिए पिज्जा ऑर्डर कर देती हूँ। और परी, तुम क्या खाओगी? मम्मा, आप मेरे लिए भी पिज्जा ही ऑर्डर कर दीजिए। ठीक है बच्चों, मैं तुम तीनों के लिए पिज्जा ऑर्डर कर देती हूँ, और मैं तुम्हारे पापा को भी पूछ कर आती हूँ। और तभी परी के मम्मा परी के पापा को रूम में देखने के लिए चली जाती है। अरे ये तो यहाँ पर भी नहीं है, ये कहाँ चले गए? मुझे लगता है ऑफिस का जरूरी काम आ गया होगा, तो वो ऑफिस के लिए गए होंगे। चलो कोई बात नहीं, मैं बच्चों के लिए ऑर्डर कर देती हूँ। हेलो सर, हम बारबी हाउस से बोल रहे हैं, आप हमारे लिए 4 पिज्जा भेज दीजिए। हाँ जी, वेजिटेबल पिज्जा ही।
बच्चों मैंने पिज्जा ऑर्डर कर दिया है, अब पिज्जा भी आ जाएगा। तब तक मैं अपने रूम में जाकर रेस्ट करती हूँ। जब पिज्जा आ जाएगा तो मुझे आवाज दे देना, मैं हॉल में आ जाऊंगी। मम्मा अब रेस्ट कर क्या करोगे? चलो ना हम प्लान करते हैं कि हम वहाँ जाकर क्या क्या करेंगे। मम्मा हम कौन से होटल में रुकेंगे शिमला में, ये तो पता ही नहीं। परी बेचा वो तो तुम्हारे पापा ही सिलेक्ट करेंगे वहाँ पर कौन से होटल में रहना है, ये तो मुझे कुछ नहीं पता इस बारे में। अरे मधु तुम घर पर हो? अरे मधु के साथ शनाया भी है, शनाया आई हुई है। अरे अरे नेहा तुम, नेहा तुम्हें पता है मैं इस बार मधु के साथ शिमला घूमने के लिए जा रही हूँ, देखना वहाँ पर कितना मजा आएगा। ओ अच्छा, शिमला काफी अच्छी जगह है, पर इस बार मैं तो दिल्ली जाऊंगी क्योंकि मधु ने मुझे बताया था कि वहाँ पर एक बाजार है टॉयज का स्पेशल। अरे नेहा तुम दिल्ली जा रही हो, पर ध्यान से, वहाँ पर बहुत ही पोल्यूशन है, और अपने मास्क और सैनिटाइजर साथ में ही लेकर जाना, क्योंकि पिछली बार मेरा मास्क एक दुकान पर रह गया था तो वहाँ पर मुझे बोलना शुरू हो गए थे सारे। अरे मधुश नाया चलो हम खेलते हैं, मैं तो अपने घर में बोर ही होगी इसलिए मैं तुम्हारे घर आई हूँ, चलो ना खेलते हैं। अरे नेहा रुको ना, मम्मा ने पिज्जा ऑर्डर किया है, हम सारे पिज्जा खाकर फिर खेलेंगे। अरे क्या बात है, आज तो डोमिनोज 10 मिनट में ही आ गया, मुझे लगता है ये फ्री बैठे होंगे। मैम आपका पिज्जा आ गया है। थैंक यू, आजकल तो तुम्हारी डिलीवरी जल्दी होने लगी है। थैंक यू मैम, चलो मैं चलता हूँ, आप अपने पिज्जे का मजा लें। और तभी सारे मिलकर पिज्जा खाना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों आज की कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।